जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को 10 से 15 दिन या शायद 20 दिन और वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह दुआ करो कि अच्छी न्यूज़ आए और दरगाह शरीफ फिर से आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खुले। ये लो अजान होने लग गई, अजान के समय बोलते नहीं है वैसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान और आज का मेरा ब्लॉग ये है कि मैं जा रहा हूं दरगाह शरीफ आप लोगों को ज़ियारत कराने, ठीक है, बाहर से। और बाहर से तो क्या मतलब, मैं दरगाह शरीफ में जा रहा हूं, जो खादिम हमारे साहब है, खादिम साहब हैं जो अंजुमन कमेटी के हैं, उनसे जाता हूं और बात करता हूँ कि भाई दरगाह शरीफ कब खुलने वाली है और इंशाल्लाह दरगाह शरीफ में मेहमान जो जायरीन आना चाहते हैं वो कब आ सकते हैं और दरगाह शरीफ कब खुलेगा, तो और कितना वेट करें हमारे जायरीन, कितना वेट करें मेहमान, ठीक है। तो जाता हूँ और बात करता हूँ। वैसे तो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में क्या निर्णय ले गया है और मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है वो सारी जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताता हूँ और दरगाह की थोड़ी बहुत माशाल्लाह याद भी कराता हूँ आपको, ठीक है, वहाँ पे। और आज आज बारिश भी हो गई है थोड़ी सी, देख लो आज बारिश भी हो गई है, तो आज माशाल्लाह रहमत की नूर बरस रही है अजमेर शरीफ में, तो रहमत की बारिश हो रही थी। मैं पूरा आप कैप्चर करूँगा कि दरगाह शरीफ का कैसा रौनक है। और तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज अजमेर शरीफ में बारिश हुई है और कितना शानदार मौसम हो चुका है। ये मेरे घर के पास के सारे होटल हैं, होटल दिखा, ये सारे मेरे घर के पास के होटल का एरिया है, यहीं आसपास में मैं रहता हूँ। और अब आप लोगों को मैं जा रहा हूँ दरगाह शरीफ की जांच कराने और खादिम साहब से आपको बात कराऊँगा कैसा क्या माहौल है और कब आप लोग अजमेर शरीफ वापस आ सकते हो और कब आप लोगों के लिए होटल खुल सकती है। तो जा रहा हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको वहाँ पहुँच करके। बनकर इधर दिखा, देख सकते हो गाइस दिल्ली गेट का एरिया, यहाँ पे बारिश हुई है, कितना शानदार लग रहा है। और इधर देखो, ये देखो कितना शानदार एरिया हो रहा है। अब देखो सामने दिल्ली गेट, ये देख रहे हो आप, ये दिल्ली गेट का एरिया है और कितना शानदार नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। अब जा रहे हैं आप लोगों को दरगाह दिखाने, आप आज का ब्लॉग दरगाह ही दिखाना है आपको। आज पूरी बारिश हुई है तो बारिश का मौसम है, ऐसा हो रहा ठंडा मौसम, और कैसा माहौल दिख रहा है आप लोगों को बताना। ये पूरा धान मंडी है जो कि मैंने पिछली बार दिखाया था, लादी वापस ऑन कर दी। ये धान मंडी का एरिया देख सकते हो आप लोग। अरे यार का फोन आ रहा है, उठा इसको, बोल दे भाई थोड़ी देर में आ रहे हैं। देख सकते हो बारिश के मौसम में ऐसा माहौल है यहाँ का, काफ़ी शानदार खुशनुमा मौसम हो चुका है और इंशाल्लाह जब दरगाह शरीफ खुल जाएगा तो और अच्छे से हम लोग वीडियो शूट करेंगे और अच्छे से आप लोगों को पूरा वीडियो शूट करके बताएंगे आपको। ये पूरी होटल है अभी बंद हो रही है और आज माहौल कैसा हो रहा है दरगाह बाजार का, इक्का दुक्का दुकानें खुली है, बस भाई भाई इक्का दुक्का दुकानें खुली है, इक्का दुक्का ठेले लगे हैं, ठेला ठेला इक्का दुक्का ही लगे दुकान, जगह जगह पुलिस वाले खड़े चेकिंग के लिए अब दरगाह के मेन गेट के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाके कोई खादिम बड़े साहब जो दरगाह मेन गेट जो मेन खादिम साहब होंगे उनसे बात करेंगे, आपको बात करके बताएंगे। यहाँ खाली खाली करते हैं अपन, तो कितना प्यारा कितना खूबसूरत मंजर हो रहा है, बारिश हो गई है तो रौनक और नूर बरस रहा है और ये दरगाह शरीफ का मेन गेट का एरिया है। और अभी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ अंदर, अगर कोशिश करूँगा जाने की, अगर हो सका तो जाऊँगा, नहीं तो यहाँ पे बाहर जायरीन जो बाहर से आ रहे हैं जो कि अजमेर के ही आसपास में रहते हैं या फिर राजस्थान के, ये वो लोग भी आते हैं और वो लोग बाहर से यहाँ खड़े होकर के जात दीदार करके चले जा रहे हैं। तो अब मैं खादिम साहब है जो खादिम साहब से आपको बात कराता हूँ कैसे क्या माहौल है। इक्का दुक्का दुकानें खुल गई हैं फूल की, जो कि थोड़े बहुत पब्लिक जो आ रही है तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और बाहर से फूल चढ़ा के दरगाह खादिम साहब को बोलते हैं भाई फूल पेश कर दो या चादर पेश कर दो, तो वो लोग चल जाते हैं पेश कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो हमारे दरगाह के मेन खादिम साहब हैं उन्हीं से जाके बात करता हूँ और उन्हीं से आपको बताता हूँ। ये नाला बाजार का एरिया है, इक्का दुक्का खाने की होटल खुली, सारी बंद पड़ी वैसे तो, पर इक्का दुक्का खाने की होटल खुली। ये तीन नंबर गेट है वो दोनों, ये लंगर खाना गली देख सकते हो, एनी टाइम ये फुल रहती थी, अभी जैसे कि चल रहा है वो क्या बोलते हैं लॉकडाउन, तो अभी खाली पड़ी है और आज बारिश की वजह से थोड़ी बहुत दुकानें भी बंद पड़ी है। अजमेर शरीफ में रहमत की बारिश हो रही है और जो कि हमारे दरगाह शरीफ के सेक्रेटरी साहब है जो वाहिद
सैयद वाहिद हुसैन, उन्हीं के घर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देख सकते हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा दरगाह शरीफ का, देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को 10 से 15 दिन या शायद 20 दिन और वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह दुआ करो कि अच्छी न्यूज़ आए और दरगाह शरीफ फिर से आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खुले। ये लो अजान होने लग गई, अजान के समय बोलते नहीं है उसे। तो ये देख सकते हो आप, पूरा अजमेर का नज़ारा है। और आज बारिश हो रही थी, मौसम माशाल्लाह अच्छा हो चुका है, यहाँ पे मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है। और ये पूरा दरगाह शरीफ का आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। ये हमारे सैयद वाहिद हुसैन है के उन्हीं के घर पे से मैं ये पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो सिक्योरिटी साहब है, जो कि अंजुमन कमेटी के, दरगाह अंजुमन कमेटी। तो देख सकते हो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। जैसे मैं दीदार कर पा रहा हूँ, काश आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसी दीदार कर पाओ। कोई बात नहीं गाइस, मैं जब तक आपके साथ जुड़ा हूँ इंशाल्लाह पूरी दरगाह शरीफ की याद कराता रहूँगा। जे कहीं पे भी आप हो, चाहे कहीं पे कितनी भी दूर हो इंशाल्लाह, पर मैं आप लोगों को याद कराता रहूँगा, दरगाह शरीफ की पूरी इन्फॉर्मेशन में देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है ये बुलंद दरवाज़ा है, ये असल में बुलंद दरवाज़ा यही है। और वो निज़ाम गेट है जो आप लोग पहले देखते हो ना, वो निज़ाम गेट है और बुलंद दरवाज़ा यही है, जो कि बोलते हैं कि जैसे कि मोहर जब उर्स होता है ना, उर्स के समय यहीं पे झंडा चढ़ता है, जो कि मैंने वीडियो शूट कर चुका हूँ पहले भी। तो उर्स के टाइम में झंडा यहीं चढ़ता है और ये दरगाह शरीफ। और अभी बारिश तेज़ होने वाली है इंशाल्लाह, तो मैं अगली बार दूसरी बार आऊँगा तब वीडियो अच्छे से शूट करूँगा। और भाई सुनो, ये जो पहाड़ पर ये बना हुआ है किले टाइप का, क्या है ये? पुराने टाइप का है। इसके बारे में अलग से मैं शूट करूँगा, इसके बारे में पता करूँगा क्या चीज़ था ये पहले। शायद मेरे हिसाब से राजा महाराजा का टाइम का था, किला का रास्ता है ये शायद। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले यहाँ पे दरगाह में ज़ियारत करा चुका हूँ, ये आपको देख सकते हो सामने बड़ी पीर की दरगाह है। तो ये बड़े पीर की दरगाह है और ये पूरा गाइस, आप लोगों को पता कि कभी भी अजान होती तो अजान के समय बात नहीं करना चाहिए और 5 मिनट के लिए अजान को सुनना चाहिए खड़े होकर के। तो वही रूल मैं भी करता हूँ, आप लोग भी इंशाल्लाह फॉलो किया करो। तो अभी दरगाह शरीफ की अब अजान होने वाली है, अभी तो बहुत सारी अजान हो रही थी यहाँ के पास की मस्जिदों की, बट अब मेन दरगाह की जो अजान होने वाली है, तो आप लोगों को मैं अजान सुनवा रहा हूँ। माशाल्लाह दरगाह शरीफ की कैसी बुलंद आवाज़ है और बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी अजान होती है यहाँ। अभी होने वाली इंशाल्लाह मैं सुनाता हूँ आपका अजान।
तो आप लोग देख सकते हो गाइस, गरीब नवाज सरकार का लंगर बाहर से ही बांटा जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का थोड़ा पालन किया जा रहा है यहाँ पर। और जो सरकार का लंगर बढ़ता था, ऐसे बाहर ही बढ़ता है भाई, लॉकडाउन की वजह से बाहर ही बढ़ रहा है, वैसे तो अंदर बांटते थे पहले यार। दोस्त मिस्टर खान, और आज मैं आया हुआ हूँ ये दरगाह शरीफ के पास में, जो कि हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जो सैयद वाहिद हुसैन हैं, तो उन्हीं के पास आया हूँ। तो उनसे अभी मैं ये जानकारी लूँगा कि आप लोग जो कहते हो ना, बेकरार हो, बेचैन हो कि भाई दरगाह शरीफ हमको आना है और दरगाह शरीफ की ज़्यादा हमें करनी है, तो भाई तुम्हें मालूम है अभी लॉकडाउन है, हालांकि खुल चुका है पर थोड़ा थोड़ा तो है अभी। दरगाह धार्मिक स्थल अभी नहीं खुली है, सारी धार्मिक स्थल अभी बंद है। तो राजस्थान में जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में छोटे छोटे गाँव में धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, बाकी शहरों में तो अभी खुलने का कोई वो नहीं है। तो अभी दरगाह शरीफ कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, और जो मीटिंग हो रही थी दरगाह शरीफ में, जो हमारे बड़े बड़े खुदा में ख्वाजा हैं या हमारे जो अंजुमन कमेटी को संभालते हैं, वो लोगों ने क्या क्या बात करी, जो कलेक्टर साहब है हमारे अजमेर के या फिर और लोगों से, बड़े लोगों से क्या बात करी है, वो आपको खुद ही वो बताएंगे, उन्हीं की मुझे मैंने सुनाते हैं। अब ये बताएंगे आपको कि दरगाह शरीफ कब खुलेगा और कितना और आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, बताइए। दरगाह शरीफ तो जब भी माहौल सही होगा उसी वक्त खुला जाएगा। तो हमारे मांग ये रही थी कि दरगाह शरीफ आने वाले जायरीन के साथ कोई पाबंदी नहीं हो, उसकी आस्था का ख्याल रखा जाए। जितने भी जायरीन यहाँ पर आते हैं वो आस्था लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब मिलत के हों। अब पाबंदी से हम बुलाएँ और आने के बाद उनका दिल दुखे, चादर नहीं चूमी, मदरसा शरीफ नहीं चूमा, घूमे नहीं हम, ये नमाज नहीं पढ़ी, ये आस्था ने हमारी अकीदत की फूल निशावर नहीं कर सके। इसीलिए हमने कहा कि जब तक ये लॉकडाउन के कानून बने हुए हैं, अभी NDA कानून बने हुए हैं, इसमें राहत हो जाए, कोई बीमारियाँ कम हों, कम लोग लें, उसके बाद दरगाह शरीफ पूरी तरीके से जिस तरीके से बंद हुई थी उसी पैमाने पर खुली जाए, ताकि ज़ायरीन जो आए हुए इतमान से अपनी अकीदत मोहब्बत के साथ में दरबार खाजा में हाजिरी देकर ज़ियारत कर सकें। माशाल्लाह, मतलब ये चाहते हैं कि देखो अभी खोल तो देंगे दरगाह, पर वो बस ये कि अभी आप लोग आओगे दरगाह शरीफ में ढंग से जात नहीं कर पाओगे, ना फूल पेश कर पाओगे, ना ढंग से नमाज पढ़ पाओगे। तो अभी भी मैंने देखा कई जारीन जैसे कि राजस्थान के जो रहने वाले हैं वो थोड़े बहुत आ रहे हैं दरगाह शरीफ को, हाँ, कि यहाँ बाहर से दरगाह शरीफ की जात करके चले जा रहे हैं, वो तो चाहत है मुझे मालूम है, पर इंशाल्लाह दरगाह शरीफ जल्दी खुलेगा। तो आप ये बताओ कि कब तक खुल सकता है, आपने बात करी तो कब तक खुल सकता है? 31 अगस्त तक तो बनी है करीब करीब। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर बीच में कुछ हालात सही हो गए तो हम भी कोशिश करेंगे सरकार। 31 अगस्त तक, मतलब 2 महीने और वेट करना होगा, जुलाई तक, वही तो मैंने कहा कि 31 जुलाई, तो मतलब 1 महीना अभी आपको और वेट करना है। मैंने कहा 8 तारीख 20 दिन शायद 20 दिन और बीच में हालात अगर अच्छे हो जाए तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि जल्दी खुल जाए। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो मतलब आपको 20 दिन और वेट करना है, इंशाल्लाह 20 दिन के बाद शायद खुल जाए, क्योंकि राजीन से हमारी यही गुजारी है जब तक पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि ये अजमेर शरीफ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हालात एक जैसे हैं। हाँ, सही बात है, जहाँ से वे लोग आते हैं वहाँ भी ऐसे ऐसे नहीं, रस्ते में उनको तकलीफ हो, उनकी वजह से किसी को किसी की किसी और की तकलीफ हो, उनसे तकलीफ हो, लिहाजा वहीं रखें दरबाजी में तमाम मरासिम जो है वो अदा किए जा रहे हैं। और आप सब लोगों को जिनके भी फोन मिल रहे हैं दुआ के लिए कह रहे हैं, सबकी दुआ है हो जा रही। माशाल्लाह, दरगाह शरीफ से तो हमेशा 5 वक्त की जब भी होती है नमाज तो दुआ की जाती है यहाँ से कि आप दरगाह शरीफ जैसे कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात, अगर जब लॉकडाउन खुल जाएगा या फिर दरगाह शरीफ आने की परमिशन मिल जाएगी तो आपके ऊपर वो बनता है, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी कि आप लोग अपनी हिफाजत खुद करें, अपने हाथ से सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बनाते रहें। यही दरगाह से प्रधान रहता है, यही मैसेज रहता है दरगाह शरीफ से। ठीक है, तो जैसी और दूसरी जानकारी मिलेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, छोटा भाई हूँ तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मिस्टर खान अजमेर, और उसमें फेसबुक में अकाउंट है जैन साहिल खान। और अगर मैं नहीं मिलूँ तो ये मेरा भाई है, इसको मैसेज कर लेना, ये रिप्लाई जरूर दे देगा। मेरा भी नाम साहिल है। अबे ये इंस्टाग्राम पे बता, इंस्टाग्राम पे, हाँ इंस्टाग्राम पे साहिल 01, इसको कर लेना मैसेज, ठीक है, अगर मैं ना मैसेज का रिप्लाई दे पाऊँ तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।